तकलीफ जरूर हुई थी, लेकिन कबीर की शक्ल में उस तकलीफ का अजाला भी हुआ था। तुम और फलक, तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो पूरी तरह से। कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगे, तुम्हारी जगह मैंने नया फाइनेंसर अपॉइंट किया। आप ये कैसे कर सकते हैं हमजा? और मैं क्या करूं? ठीक है, अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए मुझसे हमजा, तो इन प्रोजेक्ट्स की तफसील दे दो मुझे, मैं वो तफसील देख के ही पैसे दूंगी। ओके। नाज़िश आपे का बिजनेस पर इस घर में कितना हिस्सा है? आपको पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? कहा कि अगर बिजनेस और इस घर में से अपना हिस्सा निकाल लेंगे तो आप सड़क पर आ जाएंगे। I'm sorry, हमजा, मैं इन पे साइन नहीं कर सकती। मुझे लगता है तो वो अपने बिजनेस पे उस तरह से ध्यान नहीं दे रहे जिस तरह देना चाहिए। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए मुझसे हमजा, तो इन प्रोजेक्ट्स की तफसील दे दो मुझे, मैं वो तफसील देख के ही पैसे दूंगी। वहां दो प्रोडक्शन यूनिट बंद हो चुके और वहां प्रोडक्शन में मसला आ रहा है। क्लाइंट्स ने कंपनी के ऊपर केस कर दिया है क्योंकि उनकी कंसाइनमेंट टाइम पे नहीं मिली है। अच्छा खासा हर्जाना अदा करना पड़ेगा हमजा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गौरम साहब? एक छोटा सा काम था आपसे, मुझे थोड़ी अमाउंट का लोन चाहिए। जी जी, कितने दिन लगेंगे इस प्रोसेस में? ये मेरा मतलब है कि अप्लाई करने के बाद अमाउंट ट्रांसफर होने में कितनी देर लगेगी? ठीक है, मैं मैनेजर साहब को भेज दूंगा, बस आओ अप्लाई करते हैं। थैंक यू। जी जी जरूर, किसी दिन चक्कर लगाओ। थैंक्स अगेन, खुदा हाफिज। नहीं हाथ उठाती मगर इसे खुला क्यों छोड़ना पूरे घर में संभाल के रखे ना खुला क्यों छोड़ा मैं तुम्हारी इतनी हिम्मत बहुत हो गया। हाथ मत उठाइएगा इतना मुझ पर, बहुत ज्यादतियां बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं आपकी। अगर आइंदा ऐसी जुर्रत भी की ना मुझ पर हाथ उठाने की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फलक, जबान को लगाम दो। बोली जा रही हूँ क्या हो गया तुम्हें? उसी लहजे में बात करें जिसे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। यही जुबान समझ आती है ना आपकी बेटी को? हर वक्त इस घर में मेरी इंसल्ट होती रहती है, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी अपनी बेइज्जती। हमजा को आने दो, वही तुम्हें समझाएगा। ले आ गया हमजा, जो शिकायत लगानी ना उनके सामने लगाए, उनको भी तो पता चले कि सारा दिन मेरे साथ आतो करती क्या है। क्या हो गया, किस बात का शोर मचा हुआ? ये तो आप अपनी बहन से ही पूछे जिसको तमाशे लगाने की आदत है। हमजा समझाओ अपनी बीवी को कि मेरे बर्दाश्त का इम्तिहान मत ले, वरना मैं बहुत बुरी पेश आऊंगी।
तो पहले क्या नहीं होता यहाँ पे? हर लम्हा हर वक्त मेरी बेइज्जती की जाती है इस घर में, एक सेकंड सुकून का नहीं है। पलक, रूम में चलो, अंदर चल के बात करते। मैं कहीं नहीं जा रही, जो बात होगी यहाँ होगी। जिस दिन से इस घर में शादी करके आई हूँ, एक दिन इन्होंने मुझे सुकून का गुजारने नहीं दिया। आप खुद तो ऑफिस चले जाते हैं, हर वक्त बातें सुनाई जाती है मुझे। अब जो बात होगी आपके सामने होगी, यही होगी। फलक बस बदतमीजी मत करो। क्या बस करूं मैं, मसला इनको है ना मेरे साथ, यहाँ है ही क्यों? आप चली क्यों नहीं जाती है यहाँ से, अपने घर चली जाए, मुझे भी सुकून से मेरे घर में रहने दो, खुद भी अपने घर में जाकर रहे। फलक, अब तुम्हारे मुंह से ना एक लफ्ज ना निकले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो। कब से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही? तुम अभी और इसी वक्त बस जो से और मामा से माफी मांगो। किस बात की माफी? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो माफी किस बात की मांगू? मैंने तुमसे कहा ना, अभी और इसी वक्त इन दोनों से माफी मांगो। वरना वो रहा दरवाजा, तुम जा सकते। आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं मुझे? इस घर से जाने को कह रहे हैं? आप तो ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद ये दोनों जो मुझे बातें सुनाती है, जो इंसल्ट करती है, आपको अंदाजा भी है? मुझे पूरा अंदाजा है, मेरी फैमिली तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकती जैसी तुमने की है। इसलिए अभी और इसी वक्त इनसे माफी मांगो। मांगो माफी। आई एम सॉरी। अच्छी लग रही है। थैंक यू। क्या हुआ, बहुत खुश लग रहे हैं? हाँ, खुशी की बात तो है। कैसर की कॉल आई थी, कह रहा था कि इन्वेस्टर से मीटिंग फिक्स हो गई है, इन्वेस्टर हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार। दैट्स ग्रेट न्यूज। यू नो व्हाट, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है, तुम जरूर मेरी किसी नेकी का फल हो। I mean it. बेबी जी, राम बेबी तैयार है। चलें? चलें मेरी जान, आ जा जा जा, लेट्स गो, लेट्स गो। हमजा, समझाओ अपनी बीवी को कि मेरे बर्दाश्त का इम्तिहान मत ले, वरना मैं बहुत बुरी पेश आऊंगी। आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं मुझे? इस घर से जाने को कह रहे हैं? आप तो ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद ये दोनों जो मुझे बातें सुनाती है, जो इंसल्ट करती है, आपको अंदाजा भी है? मैंने तुमसे कहा ना, अभी
और इसी वक्त इन दोनों से माफी मांगो, वरना वो रहा दरवाजा, तुम जा सकते हो। अल्लाह तुम्हारी रस्सी दराज कर चुके हैं मलक, लेकिन एक चीज में तुम्हें जरूर कहूंगी कि ये दुनिया मकफात अमल है, जो किया है वो भुगतना पड़ेगा, और अल्लाह किसी का ज़फर ज़ाया नहीं होने देते। सॉरी फलक, मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो गया था, लेकिन तुम्हें भी बात करने से पहले सोचना चाहिए था। आज तक किसी ने बच्चों से इस तरह घर में बदतमीजी नहीं की। आप पर जितना मान था, जितना भी गरूर था मुझे, आज आपने तोड़ दिया। आज मुझे एहसास हुआ कि इस घर में पड़ी किसी बेजान चीज जैसी हूं मैं, जिसकी कोई वक्त नहीं है। जिसका दिल चाहेगा आकर जलील करके चला जाएगा, और मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, क्या फर्क पड़ता है? तुम भी तो इस बात को समझो, तुम्हारा इस तरह से बच्चों के साथ बदतमीजी करना मेरे लिए मसले क्रिएट कर रहा है। और जो वो लोग मेरे साथ सलूक करते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? वो चाहे जैसा मर्जी मेरे साथ सलूक करते रहे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, मगर मैंने कहीं जवाब दे दिया तो मुझ पे हाथ उठा दिया जाएगा। तो बात करने का तरीका होता है फलक, अगर तुम्हें उनसे कोई प्रॉब्लम थी तो तुम मुझे कहती, मैं उनसे बात कर लेता। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि तुम उनसे बदतमीजी करो, उनसे घर से निकल जाने का कह दो। ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आइंदा के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता, बच्चों या मामा से कोई बदतमीजी नहीं कर। इस ख्याल रखना इस बात।
मैंने फैसला कर लिया मम्मा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। बेटा तुम फलक की बातों को इतनी अहमियत क्यों दे रही हो? मम्मा ठीक ही तो कह रही है वो। मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पर और क्या जवाब है मेरे पास यहाँ रहने का, जबकि मैं अपने घर में बहुत आराम से रह सकती हूँ। यहाँ रहकर मैं फलक की बदतमीजियां सारी जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज उसने मेरी फूल सी बेटी पे हाथ उठाया, कल को ना जाने क्या करेंगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, वो अब कुछ नहीं कहेगी, हमजा ने उसे समझाया ना तुम्हारे सामने। नहीं मामा, मैं फैसला कर चुकी हूँ। आप सोच ले, आपने मेरे साथ जाना है या यही रहना है। तुम भाई फैसला कैसे कर सकते हो, तुम परेशान हो तो कुछ करेंगे, जस्ट रिलैक्स। आपको पता है आप उसके लायक थी ही नहीं, लेकिन इस लायक नहीं थी पलक। मैंने तुमसे इतना प्यार किया है, तुम्हें इतना चाहे मैंने, और तुमने ये किया। अभी तक नाराज हो मुझसे? क्या फर्क पड़ता है आपको? फर्क क्यों नहीं पड़ता, बीवी है तो मुझे। अच्छा मुझे बता, इस तरह मुंह क्यों रखा हुआ? मैं लाम को अपने पास लाना चाहती हूँ, यहाँ इस घर में। क्या? लेकिन फलक ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? इल्हाम मेरी बेटी है और शादी से पहले आप भी जानते थे कि मेरी एक बेटी है, तो फिर मैं उसे यहाँ क्यों नहीं ला सकती? वो इसलिए नहीं ला सकती क्योंकि अभी तक मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। मामा और बजो तुम्हें अभी तक कबूल नहीं कर पाई हैं, इल्हाम को कैसे करेंगी? तुम बहुत मिस कर रही हो उसे। पता है हमजा, कभी कभी खुद में इतनी कमी महसूस होती है, वो मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, मुझसे दूर है, तकलीफ होती है मुझे, और ऐसी तकलीफ जिसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। वो बेटी है मेरी और मैं चाहकर भी उससे मिल नहीं सकती। लेकिन क्यों नहीं मिल सकती? कबीर तुम्हें उससे मिलने से रोक नहीं सकता, और मुझे भी कोई इतराज नहीं है। कबीर ने मुझसे जबरदस्ती पेपर साइन करवाए इल्हाम की कस्टडी के लिए। इन पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं होती, अदालत इन पेपर्स को नहीं मानती। तुम्हें जब भी इल्हाम से मिलना हो तुम ड्राइवर के साथ जाके मिल सकती हो। और बाय द वे, तुम्हें अचानक इल्हाम को यहाँ पे लाने का ख्याल क्यों आया? नवाल आप कितनी खुशकिस्मत है ना, अने सब कुछ कितनी आसानी से मिल गया। कबीर को भी हासिल कर लिया, मेरी बेटी भी ले ली मुझसे। पता है हमसे अपनी बच्ची को उनके साथ इतना अटैच देखकर ना मेरा दिल राख हो गया, जल गया। मैं अपनी बच्ची को अपने से दूर नहीं करना चाहती,
मैं किसी भी कीमत पर उसे अपने पास लेकर आना चाहती हूँ, अपने साथ रखना चाहती हूँ। मैं माँ हूँ उसकी। और ऐसे लोग कैसे सुकून से जिंदगी गुजार सकते हैं जो दूसरों की जिंदगियां बेसकूनी से भर देते हैं। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया मेरी अपनी बहन ने। कबीर को हासिल कर लिया, उसको छीन लिया, और आप ही बताएं आपके साथ क्या अति किया उसने। आपके साथ बुरा नवाल आपकी ने किया और मेरे साथ पागल हो जाऊंगी। मुझे मेरी बच्ची चाहिए बस। और हम दोनों कितने बेवकूफ हैं ना, कितने बेबस कि आप ना ही नवाल को कुछ कह सकते हो ना ही मैं उसको। कितनी बेबस माँ हूं मैं, अपनी बच्ची से मिल नहीं सकती, उसे देख नहीं सकती, उसे अपनी गोद में नहीं ले सकती। देखो तुम फिक्र मत कर, मैं इस बात पे भी सलूशन निकाल लूं। जो कबीर के पास मेरे सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें साफ साफ लिखा है कि मैं इल्हाम की कस्टडी उसको दे रही हूँ, बाद में क्लेम नहीं करूंगी। वो तो मुझ पे छोड़ दो। पलक ने कोर्ट का नोटिस भेजा है इल्हाम की कस्टडी के लिए। क्या साथिया नहीं है? इल्हाम मेरी बेटी है और शादी से पहले आप भी जानते थे कि मेरी एक बेटी है, तो फिर मैं उसे यहाँ क्यों नहीं ला सकती? कभी कभी खुद में इतनी कमी महसूस होती है। वो मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, मुझसे दूर है, तकलीफ होती है मुझे, और ऐसी तकलीफ जिसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। वो बेटी है मेरी और मैं चाहकर उससे मिल नहीं सकती। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया मेरी अपनी बहन ने। कबीर को हासिल कर लिया, उसको छीन लिया, और आप ही बताएं आपके साथ क्या अति किया उसने। कबीर ने मुझे जबरदस्ती पेपर साइन करवाए इल्हाम की कस्टडी के लिए। मैं अगर चाहूं तो अपने खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करने पर तुम दोनों के खिलाफ केस कर सकते हो। इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझो। आज के बाद वार्न नहीं करूंगा। मामा, आपने तो मुझे कहा था कि मैं बिजनेस को टेक ओवर कर लूं। अब जब मैंने कनाडा जाने का फैसला कर लिया है तो अब आप मुझे क्यों रोक रही हैं? बेटा, बिजनेस यहाँ से भी तो चल सकता है, जरूरी है कि तुम वहाँ पे अकेली जाके बैठो? मामा, मेरी कल मैनेजर साहब से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि कंपनी का यूनिट बंद होने की वजह से सारी प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुई हुई है, और वहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने कंपनी के ऊपर केस कर दिया है। हमें अच्छा खासा हर्जाना अदा करना पड़ेगा, और वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनकी मोराल डाउन हो चुके हैं। अब मैं ना गई वहाँ कंपनी में तो वो बंद हो सकती है बाबा, और अच्छा खासा नुकसान होगा हमारा। और आहिल ने इस कंपनी को यहाँ तक लाने में बहुत मेहनत की है,
क्या मैं उनकी मेहनत जाया जा रही दूं? नहीं नहीं बेटा, मैं ये हरगिज नहीं जाऊंगी। राहिल ने बहुत मेहनत की थी, दिल घबराता है कि तुम वहाँ पे अकेली रहोगी ना। अरे नहीं मामा, ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पे जो लाइफ गुजार रही हूँ उसे बहुत बेहतर वहाँ गुजारूँ। अच्छा चलो, मारी मर्जी है बेटा। फलक, तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आ जाए? क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं? तुम्हारी बेटी, तुम परेशान हो ना उसके लिए बहुत, तो तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे साथ आके रहे। इससे खुशी की बात क्या होगी, यही तो चाहती हूँ मैं कि मेरी बच्ची इल्हाम मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे। लेकिन हमजा, आप तो जानते हैं ना, आंटी और बच्चों कभी नहीं मानेंगी। वो मेरा मसला है, वो मैं देख लूंगा। वो जो कबीर के पास मेरे सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें साफ साफ लिखा है कि मैं इल्हाम की कस्टडी उसको दे रही हूँ, बाद में क्लेम नहीं करूंगी। वो तो मुझ पे छोड़ दो, मैं जानू और वो पेपर्स मैं इल्हाम को लाऊंगा तुम्हारे पास। मुझे यकीन नहीं आ रहा, हमजा सच कह रहे हैं ना? बिल्कुल, मैं आज ही लॉयर से बात करता हूँ, वो कल केस फाइल कर देगा। फलक, ये तुम्हारा कानूनी हक है, और कबीर तो क्या, कोई भी तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर नहीं रख सकता। हेलो जी वकील साहब, कहाँ हैं आप ऑफिस आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए? एक इम्पॉर्टेंट मसला आपके साथ डिस्कस करना था, एक्चुअली आपकी राय चाहिए थी मुझे। ठीक है, बस मैं भी 15-20 मिनट में पहुंच रहा हूँ, आप आ जाओ। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसका बदला तो मैं लेकर लूंगा। मेरा सुकून छीना है तुम दोनों, अब मैं तुम दोनों का सुकून छीनूंगा। साहब जी, ये बाहर कोई आदमी देकर गया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है उसमें? फलक ने कोर्ट का नोटिस भेजा है इल्हाम की कस्टडी के लिए। क्या? लेकिन वो कस्टडी का नोटिस कैसे भेज सकती है? उसने तो कस्टडी आपको दे दी थी, बाकायदा पेपर्स पे साइन भी किया था।
उसने एलिगेशन लगाया कि मैंने अब दूसरी शादी कर ली है, इसीलिए उसकी सौतेली माँ यानी कि तुम इसका ख्याल नहीं रख सकती, इसीलिए इस्लाम की कस्टडी वापस चली। क्या दिमाग खराब हो गया है उसका? उसको कितना लगाव है इल्हाम से वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पूरी रात ये बेचारी रो रही होती थी, वो सुकून से अपने कमरे में सो रही होती थी। अगर इतना लगाव था तो फिर लावारसों की तरह छोड़ के क्यों चली गई? मुड़ के एक बार उसकी खबर भी नहीं ली। किस मुंह से नोटिस भेजा है उसने? कबीर, हम इनाम फलक को वापस नहीं दे सकते, वो इसका ख्याल नहीं रख सकती। आपको याद है ना वो क्या करती थी? सब याद है मुझे, सब कुछ, कुछ भी भूला नहीं हूं। आप लॉयर से बात करें, उसे कहें कि वो कुछ करे, इस तरह से नहीं कर सकती। कितने परसेंट चांसेस हमारे केस जीतने के? सच कहूँ तो हमारा केस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मिस फलक ने जो कस्टडी के डॉक्यूमेंट साइन करके दिए हैं, ये एक ऐसा पहलू है जो हमारे केस को कमज़ोर कर देता है। बहरहाल मैंने नोटिस तो भेज दिया है, देखें क्या जवाब आता है। कबीर की जान अपनी बच्ची, उसको बहुत लगाव है। मुझे किसी भी हाल में केस जीतना है। मैं कबीर को टूटा हुआ देखना चाहूँ। जैसा मैं कहता हूँ, अगर आप पैसा वैसा करते जाएंगे तो मैं एक गारंटी देता हूँ कि ये केस हम जीत सकते हैं। आप फिक्र मत करो, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मिस फलक से कहें कि कोर्ट में झूठ बोल दें कि उन्होंने अपनी रजामंदी से ये पेपर साइन नहीं किए, बल्कि कबीर ने उन्हें ब्लैकमेल करके और मजबूर करके ये पेपर साइन करवाए। तो नहीं तेरे बना रहा उसे।
हाल सो क्यों रही हो? हम कितने सुकून से रह रहे थे, सब कुछ ठीक हो गया था। रुकिए, तुम्हें मुझसे वादा करें हमें हाँ को पलक के पास नहीं भेजे प्लीज। कैसी बातें कर रही हो नवार? इल्हाम हमारी बेटी है, फलक की फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इल्हाम को फलक के पास नहीं जाने दूंगा। ओके? तुम्हें पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर कोर्ट ने इल्हाम की कस्टडी फलक को दे दी तो हम क्या करेंगे? सब कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा रखो, ऐसा होने ही नहीं दो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इल्हाम को फलक के पास ले जाने दो। ट्रस्ट मी। जी मामा, आपने मुझे बुलाया? बैठो, मैंने तुमसे कोई बात करनी है। जी बोले। तुम्हारी बहन कनाडा वापस जा रही है, खन की सीट करवा ली है उसने। इस तरह अचानक? लेकिन क्यों? क्यों मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हारी बीवी ने जो इतनी बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी कर दी है भाई बहन के बीच, वो दीवार तुम्हें नजर नहीं आ रही क्या? अगर बजो फलक की वजह से जा रही है तो वो माफी मांग चुकी है ना उनसे। देखिए, वाकई बहुत शर्मिंदा, और मैंने भी उसे समझाया, वो आइंदा कभी ऐसा नहीं करेगी। मेरा नहीं ख्याल अब इन बातों का कोई फायदा है हमसे। मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ और मेरी टिकट्स इशू हो चुकी हैं। तुम्हें सिर्फ यही बताने के लिए बुलाया था हमसा। अजो प्लीज, आप मत जाएं। ये घर आपका भी उतना ही जितना मेरा है। ये घर अगर मेरा होता ना तो मुझे इतनी बातें ना सुनाती। हमजा, तुमने एक बहुत बड़ी मुसीबत ला के ना हमारे सर पे बिठा दी है।